हमने एक एग्जांपल करा था लास्ट क्लास में, एग्जांपल नंबर टू। वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर, वेद ट्रेवल्स 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। वेद ट्रेवल 600 किलोमीटर टू हिज होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय कार। ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रेवल्स he takes 8 hours if he travels 120 kilometer by train and the rest by car, 120 kilometer by train and the rest by car, full stop. He takes 20 minutes longer if he travels, he takes 20 minutes longer if he travels 200 kilometer by train travels 200 kilometer by train and the rest by car. Find the speed of the train and the car. वेद जहाँ से भी ट्रैवल करता है अपने घर तक, जहाँ से भी जाता है, तो 600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब वो थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो तो ट्रैवल करता है ट्रेन से, और बाकी का जो डिस्टेंस है वो ट्रैवल करता है कार से, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 600 किलोमीटर दे रखा है। ही टेक्स 8 hours इफ ही ट्रैवल्स 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रेस्ट बाई कार, ठीक है। कि अगर वो 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और बाकी का बचा हुआ डिस्टेंस कार से ट्रैवल करता है, तो जो उसका टोटल टाइम है वो 8 hours का लगता है, 8 घंटे लगता है टोटल टाइम। अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ ही ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। मतलब पहले वो 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था, अब वो 200 किलोमीटर अगर ट्रेन से ट्रैवल करे और बचा हुआ डिस्टेंस कार से ट्रैवल करे तो उसको 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे पहले वाले केस के कंपेरिजन में। पहले वाले केस में जो टाइम लग रहा था उससे 20 मिनट ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। तो ये दो अलग अलग केसेस दे रखे हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो जैसा कि हम इस चैप्टर में करते रहे हैं, जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हम उसी को x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कीजिएगा क्या पूछा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द कार। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार भी y किलोमीटर पर आवर। सर मुझे सिर्फ फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं बता दूंगा। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द कार भी
वाई किलोमीटर पर आर, तो हमने ट्रेन की स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आर और कार की स्पीड को वाई किलोमीटर पर आर मान लिया, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद अलग अलग केसेस दे रखे हैं, तो जो पहला केस है पहले केस को लेकर चलेंगे, देखिएगा क्या है। ये फर्स्ट, अच्छा अब इसमें आप देखिएगा, हमने आपको ये बताया था कि इसमें एक बेसिक रिलेशन हमको याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, ये हमको याद रखना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो ये हमको जरूरत पड़ती रहेगी इस तरीके के क्वेश्चन। देखिए वो बोल रहे हैं ही टेक्स 8 आवर्स इफ ही ट्रैवल्स 120 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो पहले यहां पर लिखो ट्रेन और यहां पर लिखो कार, ट्रेन कार। अब ट्रेन में जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको बोल दो d1, ट्रेन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 120 किलोमीटर। अब वो बोल रहे हैं कि जो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस है, बचा हुआ डिस्टेंस, वो कार से ट्रैवल कर रहा है, तो बचा हुआ डिस्टेंस को मैंने d2 बोल दिया, तो वो जो बचा हुआ डिस्टेंस है टोटल 600 किलोमीटर है, 600 में से 120 सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 480 किलोमीटर, ठीक है। तो वो 120 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, 480 किलोमीटर कार से ट्रैवल कर रहा है। उसके बाद स्पीड, स्पीड नहीं दे रखी है, स्पीड ही तो निकालनी है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स किलोमीटर पर आर, देखो एक्स किलोमीटर पर आर। स्पीड टू यानी कि कार की स्पीड, कार की स्पीड दे रखी है वाई किलोमीटर पर आर, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले केस में टाइम निकालूं तो टाइम कैसे निकलेगा, जब डी इज इक्वल टू एस इंटू टी है तो टी कैसे निकलेगा, टी अपॉन एस करके, तो टी वन इज इक्वल टू डी वन अपॉन एस वन, और टी वन इज इक्वल टू 120 अपॉन एक्स क्या आर्स, सबसे पहला केस ये हुआ। फिर टी टू इज इक्वल टू डी टू अपॉन एस टू, डी टू कितना है 480, एस टू कितना है वाई 480 अपॉन वाई आर्स। तो ये हमारे पास टाइम वन और टाइम टू दोनों केसेस का टाइम आ गया। उसके बाद देखिएगा कि ये जो केस फर्स्ट है इसमें टोटल टाइम उन्होंने कितना बोला था, टोटल टाइम उन्होंने बोला था कितना 8 आवर्स, तो टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू 8 आवर्स। x और y डिनोमिनेटर में आए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, तो 1 upon x को u मानेंगे, 1 upon y को v मानेंगे, तो 1 upon x मतलब ये क्या हो गया u, और ये क्या हो गया 4 into v, तो u plus 4v is equal to 1 upon 15। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दीजिए, बस इतना इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया इसको। फिर केस सेकंड की बात करेंगे, केस सेकंड में देखिएगा क्या है, केस सेकंड में फिर वो कहता है कि अब 200 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करता है और बचा हुआ डिस्टेंस यानी कि 400 किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा कार से। यहाँ पर लिखिएगा ट्रेन, यहाँ पर लिखिएगा ट्रेन, यहाँ पर लिखिएगा कार, ट्रेन और कार। तो ट्रेन है d1s1 ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, तो ट्रेन से अब जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है दैट इज 200 किलोमीटर, ठीक है, और जो स्पीड है, स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। जो कार है, कार में जो डिस्टेंस है दैट इज 400 किलोमीटर और जो स्पीड है कार की दैट इज वाई किलोमीटर पर आवर, वाई किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर, ठीक है इतना। उसके बाद देखिए टी वन,
टाइम कितना लग रहा है बी वन अपॉन एस वन और ऐसे ही इधर टाइम कितना लग रहा है बी टू अपॉन एस टू, ये हो गया. तो बी वन अपॉन एस वन इज 200 अपॉन एक्स आवर्स और इधर बी टू अपॉन एस टू यानी कि 400 अपॉन वाई आवर्स. अब वो क्या बोल रहे हैं, if he takes 20 minutes longer if he travels 200 km by train and the rest by car. तो अब उसको जो टाइम लग रहा है 20 minutes longer यानी कि पहले लग रहा था कितना टाइम 8 घंटे, अब कितना लग रहा है 8 घंटे 20 मिनट 8 hours 20 minutes ये टाइम लग रहा है. तो इस केस में t1 plus t2 is equal to 8 hours 20 minutes. ठीक है, हाँ जी, t1 की जगह लिखिए 200 upon x, t2 की जगह लिखिए 400 अपॉन y इज इक्वल टू 8 प्लस ये जो 20 मिनट्स है इस मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे. कैसे, 20 अपॉन 60, बिल्कुल 20 अपॉन 60, 8 तो पूरा आवर्स था ही और 20 मिनट्स क्या हो गया 20 अपॉन 60, तो ये हो गया 8 प्लस 20 अपॉन 60 आवर्स. ठीक, अब यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है जैसे इधर से 120 कॉमन लिया था, यहाँ से 200 ले सकता हूँ कॉमन, 200 ले लिया कॉमन, इधर ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 8 प्लस 1 बाई 3 सीधा सीधा कर रहा हूँ, 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 इज 25, 25 अपॉन 3. यहाँ तक समझ गए, बोलो भाई ये समझे, 8 प्लस 20 अपॉन 60, 23 जा 60 सीधा सीधा, तो 1 अपॉन 3 बचा बस. जब एलसीएम लेंगे तो 3 8 जा 24, 24 प्लस 1 इज 25, तो 25 प्लस 3 हो गया, 25 अपॉन 3 हो गया. फिर देखिए 25 8 जा 200, तो इधर 8 आ गया, अब इस 8 को यहाँ पर 1 बचा, इस 8 को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 3 8 जा 24, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई को लिखेंगे, 2 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 24. यहाँ तक बोलिए क्लियर, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, अथर्व आहान क्लियर है? यस सर. ठीक है, यस सर. ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स को हम क्या बोलेंगे, यू प्लस 1 अपॉन वाई को क्या बोलेंगे, वी. तो यू प्लस 2 वी इज इक्वल टू 1 अपॉन 24. इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. अब क्या करना है, इक्वेशन 1 में भी यू नजर आता है, इक्वेशन 2 में भी यू नजर आता है, दोनों में यू और यू है. सीधा सीधा 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, जो आप. ठीक है, तो देखिएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. इक्वेशन नंबर 1 क्या है, u plus 4b is equal to 1 upon 15 और u plus 2b is equal to 1 upon 24. जब subtract करेंगे तो नीचे वाले का sign, ये minus, ये minus, ये minus, u से u cancel out हो गया, 4b minus 2b is 2b और 1 upon 15 minus 1 upon 24, ये आ गया? ऐसे नहीं लेंगे, तो लेंगे ना, पहले तो लिख तो दूं. ठीक है, मतलब ऐसी कोई आधुनिक मशीन नहीं है मेरे पास जिससे मैं ऐसे डायरेक्टली ले लूँ, लेना पड़ता है. तो 1 अपॉन 15 माइनस 1 अपॉन 24, क्लियर. अब क्या होगा, 4b माइनस 2b इज 2b, तो 2b इज इक्वल टू 15 और 24 का एलसीएम बोलो भाई, 120. 15 8 जा 120, 8 1 जा 8 माइनस 24, 5 जा 120, 5 जा 120. तो ये मैंने गलत किया, 15 8 जा, हाँ 15 8 जा ही तो है, 24 5 जा 120 और 5 जा 120. तो 2b is equal to 8 minus 5 is 3, 3 upon 120, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 1 upon 40 आ गया. ठीक है, अब 2b is equal to 1 upon 40 है तो v कितना हो जाएगा, 1 upon 80. Thank you.
इक्वल टू 1/40 अब टू को इधर ले जाओ तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 1/80 v की वैल्यू 1/80 हो गई और v कितना था v था 1/y तो इसका मतलब y की वैल्यू हो गई 80 खैर अभी v की वैल्यू इतनी आई है हम ये कहेंगे सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 में डालो या इक्वेशन 2 में डालो आपकी मर्जी तो इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं u + 4v is equal to 1/15 तो u + 4 into 1/80 is equal to 1/15 तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 तो 1/20 हो गया u is equal to 1/15 minus 1/20 u is equal to 15 और 20 का LCM बोल दिया 60 हो गया अच्छा 15 4 minus 3 15 4 जा 4 और 20 3 जा 4 minus 3 तो ये हो गया 1/60 तो u की वैल्यू 1/60 हो गई आगे कर रहा हूँ उस तरफ जी u को हमने क्या माना था 1/x माना था तो u is equal to 1/x u को हमने माना 1/x और u की वैल्यू कितनी आई 1/60 जब 1/x is equal to 1/60 आ गया तो it implies that x is equal to 60 किलोमीटर पर आवर x is equal to 60 किलोमीटर पर आवर पहली चीज तो ये हो गई उसके बाद देखिए v की वैल्यू 1/y मानी थी और v की वैल्यू कितनी आई थी v की वैल्यू आई थी 1/80 है ना तो y की वैल्यू कितनी आ गई 80 किलोमीटर पर आ गई यानी कि ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर पर आ रहा है और कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आ रहा है क्लियर ठीक है चलिए जी आगे चलते हैं समझ गए अगला देखिएगा इसी तरीके का क्वेश्चन है अगला भी द टाइम ट्रेवल्स क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम हाँ देखो नहीं इसमें क्या देखो मैंने टेस्ट शीट देखी उसमें तो कुछ खास करा नहीं वैसे तो वैसे ही हमें ट्रैवल 370 किलोमीटर पार्टी बाय ट्रेन और पार्टी बाय कार वही ट्रेन और कार वाला है सर उसमें सिर्फ पापा और बेटे की एजेस थी अब इसमें ट्रेन और कार ही चलेगी अब इसमें ट्रेन और कार ही चलेगी हमें ट्रैवल 370 किलोमीटर बाय ट्रेन हमें ट्रैवल 370 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड पार्टली 370 किलोमीटर पार्टी बाय ट्रेन एंड पार्टी बाय कार बाय भी काटना पार्टी बाय ट्रेन एंड पार्टी बाय कार मतलब थोड़ा सा ट्रेन से और थोड़ा सा कार से 370 किलोमीटर डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार जरूर बातचीत करूंगी टीचरों से
मतलब चिट कैसे बना सकते हो वहां पे, पकड़े जाओगी ना? पकड़े जाओगे पक्का, वो बेइज्जती होगी ना। आइए it takes in 4 hours full stop, but if he travels 130 km by train, takes 18 minutes longer. He takes full stop, 5 plus 3 of the train and that of the car. पार्टली बाई ट्रेन एंड पार्टली बाई कार, तो थोड़ा डिस्टेंस ट्रेन से ट्रैवल करता है, थोड़ा डिस्टेंस कार से। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड दैट ऑफ द कार। तो ट्रेन की स्पीड को एक्स किलोमीटर पर आर और कार की स्पीड को वाई किलोमीटर पर आर मान लो। केस फर्स्ट देखिएगा, केस फर्स्ट में है इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो फिर से वही करेंगे, ट्रेन वाला अलग और कार वाला अलग अलग निकाल लेंगे। ट्रेन और कार, तो डी वन हाँ वो क्या बोल रहे हैं, इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो 50 किलोमीटर। इफ ही कवर्स 250 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रेस्ट बाय कार, तो बचा हुआ डिस्टेंस 370 माइनस 250 कितना हो गया 120 किलोमीटर। स्पीड कितनी है ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड y किलोमीटर पर आवर। ये देखो टाइम कैसे निकलेगा, 250 अपॉन एक्स, वन ट्वेंटी अपॉन वाई। अब हम बोल रहे हैं कि उसको कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स लग रहा है, तो टी वन प्लस टी टू और टी वन कितना है 250
upon x, what do you do with that? 120 upon 9. ठीक है, अब यहाँ से जो मुझे नजर आता है क्या कॉमन ले सकते हैं? 10. तो 10 ले सकते हैं, और कुछ 12 और 25 में कुछ है कॉमन? नहीं, तो 10 ही ले सकते हैं बस. ठीक है, 10 ले लिया. यहाँ बचेगा 25 अपॉन एक्स प्लस 12 अपॉन वाई इज इक्वल टू 4. 2 2 4 5 10. अब इस 5 को इधर ले जाओ और 25 अपॉन एक्स को ऐसे लिखो, 25 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 12 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. 1 अपॉन एक्स क्या हो गया? यू. 25 u. 1 अपॉन वाई क्या हो गया? v. 12 v equal to 2 upon 5, equation number 1. ये हो गई हमारी equation number 1, पहली चीज तो ये. उसके बाद केस सेकंड पे आते हैं. केस सेकंड, सर इक्वेशन निकाल कर दे दो, बाकी सारा खुद करते हैं. इसी के ट्रेन और फिर कार. तो अब देखिएगा कि ट्रेन में बट इफ ही ट्रेवल्स 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, यानी कि अब जो डिस्टेंस है कितना है 130 किलोमीटर बाय ट्रेन, और कार वाला कितना है 240 किलोमीटर. ये हो गया. चलिए जी, और स्पीड तो वही x किलोमीटर पर आर. और इसकी स्पीड वही y किलोमीटर पर आर. तो केस है, उसमें इन्होंने बोला है कि इट टेक्स 18 मिनट्स लॉन्गर. 18 मिनट्स लॉन्गर का मतलब क्या है कि पहले वाले केस में कितना लग रहा था 4 आवर्स, अब लगेगा 4 आवर्स 18 मिनट्स. t1 कितना है? 30 upon x plus t2 4 प्लस 18 को क्या लिखेंगे? 18 अपॉन 16, यानी कि आवर्स में कन्वर्ट कर देंगे. 6 3 18 6 10 16, 3 अपॉन 10 हो गया. 10 4 40, 40 प्लस 3 इज 40, 3 अपॉन 10 130 इंटू 1 अपॉन x 240 इंटू 1 अपॉन y 43 upon 10 130 u plus 240 v is equal to 43 upon 10. अच्छा, इधर 130 इधर 240 है, 10 ले सकते हैं कॉमन. 13 u plus 24 v is equal to 43 upon 10. 10 को इधर ले जाओ. 13 u plus 24 v is equal to 43 upon 100. ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि इधर ना 24v है और इधर 12v है. तो इक्वेशन 1 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 24v बन जाएगा, और ये तो 24v है. जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24v बन जाएगा. अच्छा, ऐसे 13 और 25 में कुछ कॉमन या एलसीएम बड़ी टर्म आएगी 13 और 25 में, तो
24 और 12 इसका एलसीएम मुझे दिखाई दे रहा है कि वो 24 बनेगा, तो आप इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, बस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा यहाँ लिखिएगा इक्वेशन 1 तो 2 × 25 = 50u, 50u एंड 2 × 12 इज 24v और 2 × 2/5 इज 4/5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 13u + 24v इज इक्वल टू 43/5। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, 24v माइनस 24v कट गया, 50 माइनस 30 को लो कितना होगा 37, 37u इज इक्वल टू 4/5 माइनस 43/100 500 एलसीएम। एलसीएम 100 होता है। ओके सर। 37u इधर आ गया 100। 5000 जा 100, 20 जा 20 इनटू 4 इज 100। माइनस 43। सर 80 है। अरे ना देख लेता। एट्टी माइनस 43 बोलो। 37 upon 100 अब आपकी मर्जी है, चाहे इसको इक्वेशन 1 में डालो चाहे इक्वेशन 2 में डालो, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डालेंगे तो 25u + 12v इज इक्वल टू 2/5, 25 × 1/100 प्लस 12v इज इक्वल टू 2/5, ये हो गया 25 × 1 = 25, 4 = 4 u की वैल्यू 1/100, v की वैल्यू 1/80, तो इसका मतलब x की वैल्यू 100 किलोमीटर पर आवर और y इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, समझ गए, ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर और कार की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर, टाइम एंड वर्क ये फिर किस पे थी, टाइम डिस्टेंस और स्पीड, फिर खत्म एप्लीकेशन, फिर खत्म चैप्टर भी जी, बढ़िया बात। एक ग्राफिकल वाला क्वेश्चन और एक करवा दूंगा तो समझ जाएगा।
क्वेश्चन नोट कीजिएगा अबाउट द 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 36 kilometer downstream. तो याद रखिए अपस्ट्रीम का मतलब होता है स्ट्रीम के अपोजिट यानी कि लहरों के अपोजिट ट्रैवल करना और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है कि लहरों के साथ साथ ट्रैवल करना। तो जब भी कभी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमसे यही पूछा जाता है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम। तो आप क्या करेंगे, हमेशा आपको क्या करना है कि लेट द जो भी आपसे चीज पूछी जा रही है उसी को एक्स और वाई मान लेंगे। Let the speed of boat in still water be x kilometer per hour and the stream of the speed of stream be y kilometer per hour and the speed of stream be y kilometer per hour। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे अपस्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, बोट की स्पीड में से स्ट्रीम की स्पीड को सबट्रैक्ट कर दीजिए, अपस्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। x-y किलोमीटर पर
और डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिएगा वो बोल रहे हैं बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। तो अब क्या करेंगे, जैसे वहाँ पर दो केसेस बने थे कि ट्रेन से ट्रैवल करना, कार से ट्रैवल करना, यहाँ दो केसेस बनेंगे। केस फर्स्ट, इधर लिखेंगे अपस्ट्रीम, ठीक है, और इधर लिखेंगे डाउनस्ट्रीम। तो बोट कवर्स 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बोट? 32 किलोमीटर। और अपस्ट्रीम की स्पीड हमने पहले ही लिख ली है x माइनस वाई, ऐसे ही डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। और डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमने पहले ही लिख ली है, कितनी? x प्लस वाई। यार t1 कितना हो जाएगा? d1 upon s1, 32 upon x minus y hours। और t2 36 upon x plus y hours। ये ट्रैवलिंग कितनी देर में हो रही है टोटल? 7 hours में। और t1 plus t2 is equal to 7। समझ गए? ठीक, अभी 1 upon x minus y को जब भी डिनोमिनेटर में आती है ना x और y की टर्म, उसको u मान लेते हैं। तो 1 upon x minus y को u मान लो, 32u plus 36v is equal to 7। ठीक, इसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है, 8u plus 9v is equal to 7। 8u प्लस 9b इज इक्वल टू 7/4। इक्वेशन नंबर 1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। यहाँ तक बताओ, यहाँ तक क्लियर है? अगला देखिए, अगला केस क्या है? केस फर्स्ट, सॉरी केस सेकंड, अपस्ट्रीम स्पीड हमारे पास है x माइनस y किलोमीटर पर आवर, और डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारे पास है 5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर t1 d1 upon s1, d2 upon s2, 48 upon x plus y hours। यहाँ तक समझ गया? t1 plus t2 इस केस में कितना टाइम ले रहा है वो? 9 hours। तो t1 plus t2 is equal to 9, तो t1 कितना हो गया? 40 upon xy, x minus y upon 48 upon x plus y is equal to 9। 40 और 48 में 8 common ले सकते हैं, 8 लिया तो 5 upon x minus y, और इधर 6 upon x plus y is equal to 9।
ये जो 8 है ये तो यहाँ चला जाएगा 9 अपॉन 8 और 5 अपॉन x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, 5 ही लिख दो सीधा। इसी तरह से 6 अपॉन x प्लस वाई को 6 भी लिख देंगे, 5 u प्लस 6 v इज इक्वल टू 9 अपॉन 8, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इसको दोनों को सॉल्व करके u और v निकाल लेना, फिर x और y कैसे निकलेगा अगली क्लास में बताता हूँ, ठीक है। बस u और v निकाल लेना इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करके, u और v निकल गया तो x y भी निकल गया। चलिए ओके,